आज हम दर्शन करेंगे प्रसिद्ध बैजनाथ मंदिर के, जो कि मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिला में स्थित है। और ये रास्ता है, इस रास्ते पर हम जा रहे हैं मंदिर की ओर और कुछ ही क्षणों में तो आ चुके हैं हम बाबा बैजनाथ मंदिर के द्वार पर। और ये प्रांगण है, परिसर है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन सी चीज़ों के हमें दर्शन होंगे। तो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बहुत ही बड़े नंदी महाराज, तो चलिए दर्शन करते हैं बहुत बड़े नंदी महाराज के। तो ये देखिए नंदी महाराज, और नंदी महाराज के सामने ही अधिकतर शिवलिंग होता है। तो चलिए सामने से देखते हैं। ये घुघरू देखिए, गले में घंटी बंधी हुई है, ये घंटियां हैं। और ये नंदी महाराज की आंखें हैं, और ये सींग है, और देखिए पूरा पूरे के पूरे नंदी महाराज एक ही बार में देखिए। और अब हम नंदी महाराज देखेंगे सामने से। सामने से कैसे दिखाई देते हैं नंदी महाराज, आप भी देखिए किस तरह से बैठे हुए हैं एक पैर को मोड़कर। और ये साइड से देखिए नंदी महाराज को, और चेहरा देखिए उनका, ऐसा लग रहा है जैसे कि स्माइल कर रहे हों, मुस्कुरा रहे हों। यहाँ पर नंदी महाराज के सर पर ये बड़ा सा घंटा यहाँ पर बजा दिया गया है, और ये बड़ा सा त्रिशूल आप देख रहे हैं पीछे। और ये अंदर का नवनिर्माण परिसर है, यहाँ पर कार्य चल रहा है। तो ये देखिए, बाद में फिर कभी मौका लगेगा जब ये बन जाएगा तब फिर आएंगे, उसके पहले ये देख लीजिए कच्चा माल। अब हम चलते हैं बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर के अंदर। तो यहाँ पर आपको चारों तरफ घंटियां ही घंटियां दिखाई देगी, देखिए। और ये बड़ा सा त्रिशूल देखिए यहाँ पर। और नीचे नंदी महाराज, और अभी मंदिर के अंदर साफ सफाई चल रही है और या फिर श्रृंगार हो रहा है देखिए। तो अभी अंदर हम आए हैं, सब तो अंदर प्रवेश नहीं हो पा रहा है, पर्दा लगा है, तो अनफॉर्चुनेटली हम यहीं से दर्शन करेंगे क्योंकि दर्शन हम कर नहीं पा रहे हैं, सामने पर्दा लगा हुआ है। अब हम देखेंगे त्रिशूल के ऊपर ये नाग महाराज लपटे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये प्यारा सा सुंदर सा त्रिशूल जिसके ऊपर ओम बना हुआ है और डमरू भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और ये सामने मूर्ति है श्री जय नारायण जी उपाध्याय छोटे बाप जी की, तपोस्थल, ये समाधि स्थल है। और आगे चलकर हम देखते हैं ये सुंदर सा दृश्य, बहुत ही प्यारा ये दृश्य है, जहाँ पर आपको राधा कृष्ण, श्री राधा कृष्ण साथ साथ खड़े होते हुए दिखाई देंगे और मुरली बजा रहे हैं। और ये पर्वत यहाँ पर आसपास बनाया हुआ है, और ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ सुंदर सा एक वृक्ष भी दिखाई देगा। आगे आप बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे नवग्रह। चलिए नवग्रह हम यहाँ पर देखते हैं, और बीच में आपको दिखाई देंगे सूर्य जो कि घोड़े पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे नवग्रह दिखाई देंगे जिसके नाम आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमें नवग्रह दिखाई देंगे, और उनके सामने उनके नाम की प्लेट भी लगी हुई है। कुछ प्लेटें एक ही मूर्ति पर रख दी गई है, इसलिए भ्रम पैदा हो रहा है। तो हम समझ सकते हैं कौन सी मूर्ति है, ये केतु की मूर्ति होगी। और यहाँ पर देखिए केतु भी लिखा हुआ है, उसके सामने शुक्र की प्लेट लगी हुई थी। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से ग्रह हमें दिखाई देते हैं। तो देखिए बीच में ये सूर्य ग्रह है, यहाँ पर सूर्य देवता जो कि घोड़ों के ऊपर सवार है। अब हम बाहर की तरफ आ गए हैं, तो हमें देखिए बहुत सारे विभिन्न प्रकार के ये शिवलिंग पिंडियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही है।
सभी के आकार अलग अलग हैं, सभी के शेप अलग हैं और ये सामने नंदी महाराज भी बिल्कुल अलग अलग हैं हर मूर्तियों के हिसाब से, हर पिंडियों के हिसाब से। तो देखते हैं ये मनोहारी दृश्य, बहुत ही प्यारा दृश्य है। यहाँ पर इतने सारे शिवलिंग रखे हुए हैं तो मज़ा ही आ गया इनको देखकर, बिल्कुल भक्ति से विभोर ये अंकल जी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये माता रानी है, माता रानी की पूजा कर रहे हैं यहाँ पर ये अंकल जी। और आगे आपको दिखाएंगे क्या क्या दृश्य यहाँ पर दिखाई देंगे, कौन कौन से देवी देवता भी हैं, मंदिर की सुंदरता आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर एक बहुत ही पुरानी वराह अवतार, श्री विष्णु भगवान का एक अवतार है वराह, वो वराह अवतार की मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये मंदिर की बनावट भी आप देखते रहिए साथ में, और आगे बढ़ते रहिए और अंदर देखेंगे कौन से भगवान की मूर्ति हमें अंदर दिखाई देगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें ये शिवलिंग भी दिखाई दिए हैं, और शिवलिंग देखिए, एक और शिवलिंग, नंदी महाराज और भोलेनाथ की मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है, प्रतिमा रखी हुई है। और इस मंदिर के अंदर हमें ओहो ये देखिए वराह अवतार यहाँ पर हमें दिखाई दिए हैं। वराह अवतार अति प्राचीन, ये देखिए वराह अवतार अति प्राचीन है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको दिखाई दिए हैं गणपति बप्पा रिद्धि सिद्धि माताओं के साथ में, आप भी दर्शन कीजिए गणपति बप्पा के और साथ ही रिद्धि सिद्धि माता। और यहाँ पर आपको शिवलिंग भी दिखाई देगा। ये देखिए ये है मंदिर का शिखर, और आसपास से मंदिर कैसा दिखाई देता है ये भी देख लीजिए। और अब हम बाहर की ओर आ चुके हैं, पूरे रोड से बाहर ये जो विशाल द्वार बना हुआ है मंदिर का, जहाँ से मंदिर का रास्ता प्रारंभ होता है वो द्वार, और उस द्वार के ऊपर देखिए ये विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई है, एक से बढ़कर एक कलाकृतियाँ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि इन घंटियों के ऊपर अलग अलग कलाकृतियाँ आपको देखने के लिए मिलेगी, कहीं पर शंकर भगवान हैं, कहीं पर गणेश जी है, कहीं पर अप्सरा हैं, तो ऐसी बहुत सारी कलाकृतियाँ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ओम है, त्रिशूल है। आगरमालवा जिला से कौन कौन ये वीडियो देख रहा है और आपका घर इस मंदिर से कितने किलोमीटर दूर है, कमेंट करके अवश्य बताइए अपने घर की दूरी, और कौन कौन यहाँ पर पहले आ चुका है, यहाँ का अनुभव अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।